बिहार के अररिया में खनन माफिया सुरसर नदी से अवैध खनन कर सीमा सड़क सहित सड़क किनारे को बनाया स्टॉक प्वाइंट। प्रशासन के नोक के नीचे लगातार हो रही अवैध खनन माफिया में जरा भी भय देखने को नहीं मिल रहा है। प्रत्येक दिन सैकड़ों ट्रैक्टर से बालू व मिट्टी काटकर नदी की सूरत बदला जा रहा है। यहां तक कि नदी के दोनों किनारों के बांध को भी माफियाओं के द्वारा मिट्टी काटकर बेच दिया गया है, लेकिन खनन पदाधिकारी से लेकर पुलिस पदाधिकारी तक खामोश बैठकर देख रहे हैं तमाशा। इसी कड़ी में आज संवाददाता के द्वारा ग्रामीणों की सूचना पर नदी की तहकीकात करने जब घूर्णा थाना क्षेत्र के महेशपट्टी गांव स्थित सुरसर ब्रिज के समीप पहुंचा तो देखा गया कि खनन माफिया नदी से बालू का अवैध खनन कर नदी किनारे कई स्थानों पर स्टॉक प्वाइंट बनाए हुए है। क्या कहते हैं ग्रामीण, ट्रैक्टर पे बालू लादकर सीमा सड़क से अन्यत्र जगहों पर ले जाकर बेच देते हैं। स्वर्ण रानी के साथ रंजित ठाकुर की रिपोर्ट। ये नदी जो है खनन माफियाओं का है, इसी नदी से खनन करके यहाँ रखता है, यहाँ से 2000-3000 से बेचा जाता है। यहाँ बहुत बड़े बड़े खनन माफिया सब है और सब अधिकारी मिला हुआ है, सबके सामने आंखों के सामने हो रहा है, कोई देखने उखने वाला नहीं है।